भूमि और वो भी गांव में क्यों चाहिए उस फकीर को? समझ नहीं आ रहा है सरकार, ऐसे दिखाता है कि उसे कोई मोह माया नहीं है, फिर वो जमीन क्यों ढूंढ रहा है? ढोंग है वो, उसका पाखंडी है वो, अपने काले जादू से भोले भाले गांव वालों के मन में अपनी छवि ऐसी बनाई है कि जैसे वो निस्वार्थी हो। अब हर कोई आंख बंद करके उस पे विश्वास करने लगा है। अब तो गंगाराम और चांदोरकर जैसे धनवान लोग भी उससे जुड़ चुके हैं, तो अब वो अपनी वास्तविकता दिखा रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, जनशक्ति से धनशक्ति प्राप्त करना चाह रहा है वो। अब उसके अंधभक्त उसे वो सब देंगे जिसकी वो मांग करेगा। सरकार, आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। अभी एक जमीन मांगिए, कल दूसरी, फिर तीसरी। हाँ सरकार, वो फकीर फिर धीरे धीरे आपसे अधिक रईस हो जाएगा, फिर हो सकता है वो आपका स्थान ले ले। वैसे ही इस गांव में आपकी कोई सुनता नहीं है, और अगर वो फकीर आपसे अधिक रईस हो गया फिर आपकी बची खुची प्रतिष्ठा वो भी चली जाएगी। मूर्खो, कल्पना भी करते हो तो उसकी उन्नति की और मेरी दुर्गति की? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ और पता करो उस फकीर ने किस किस भूमि पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ा रखी है और कौन कौन उसे सहायता कर रहा है। जाओ। जी जी सरकार, सरकार। जी। हरी ओ, वो फकीर क्या करना चाहता है ये तो मुझे पता नहीं, पर वो जो भी कुछ करना चाहता है उसे मुझे किसी भी दशा में रोकना ही होगा। मुझे तो किसी बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। तू डाल डाल तो मैं बात बात, मैं भी देखना चाहता हूं फकीर मेरी शिरडी में कैसे मिल पाती है तुझे कोई भूमि। हरिओ हरिओ। ये क्या है काका? ये शिरडी का नक्शा है। ये देखो, ये है द्वारका माई और ये है चावड़ी, ये है लेंडी बाग और ये हमारी पाठशाला और ये हमारा खेल का मैदान। इस नक्शे में जो भूरे रंग की जगह है उस सारी जमीन को खरीदा जा सकता है। हाँ, कुछ जमीन सरकारी है। मैं आज ही सब कुछ पता करता हूं इसके बारे में। लेकिन नाना, तुम तो आज शाम को पूना जा रहे हो ना? जाने वाला था साईं, पर अब नहीं जाऊंगा। अभी जमीन की खोज समाप्त करने के बाद ही जाऊंगा। जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता तब तक की छुट्टी लूंगा। नहीं नाना, तुम्हें पूना जाना ही होगा, तुम्हारी जरूरत वही है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते इस काम में मैं आपके काफी काम आ सकता हूं। नाना, तुमने रामायण की कथा सुनी है? हाँ। जब सीता मैया का हरण हुआ था तो उन्हें वापस लाने में सब ने राम जी की मदद की थी। हर एक की अपनी एक निश्चित जिम्मेदारी थी, हर किसी ने अपने अपने कर्तव्यों का
अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अपनी क्षमता के हिसाब से निर्वहन किया था। बांदरों ने सेतु बनाया था, हनुमान जी राम जी का संदेशा लेकर गए थे, शांति दूत की भूमिका अंगद ने निभाई, सबने अलग अलग कार्यभार संभाले। जानते हो क्यों? क्यों साईं? नाना, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता के लिए यही जरूरी है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लें। जमीन के मामले में भी सबको अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी होगी, और तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ और है, ना कि जमीन ढूंढना। मेरी जिम्मेदारी क्या है साईं? मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपको ये जमीन क्यों चाहिए। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का कैसे पता चलेगा साईं? श्रद्धा और सबूरी नाना, तुम पुणे जाओ और अपना काम करो। सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये जानने के लिए हमें वो नक्शा हासिल करना ही होगा। पर कैसे? कुछ सोचता हूं। अरे, ये प्रह्लाद कब आया? साई, प्रह्लाद बाहर क्यों बैठा है? मैं बताती हूँ, वो लोगों को अपने अपने बैल सजाते हुए देख रहा है। उसने कहा था कि उसके दादाजी ने उसे बैल सजाने से मना कर दिया था, इसीलिए वो दुखी है। बच्चों, फिर तो हमें प्रह्लाद के पास जाकर उसका मन बहलाना चाहिए। हाँ साईं। अरे वाह, मिल गया मौका जिसे हम ढूंढ रहे थे। क्या? वो फकीर बाहर गया है। हाँ। अब मैं अंदर जाऊंगा और नक्शा उड़ाऊंगा। और कैसे? मत हो प्रह्लाद, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, होगा वही जो राम जी की इच्छा होगी। और अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हारी इच्छा को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकेगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस फकीर को भूमि का एक भी टुकड़ा लेने नहीं दूंगा अपनी शिरडी में। सरकार, अगर उसके अमीर चेले ने उसके लिए जमीन खरीदने की पेशकश की तो उस फकीर के लिए तो उसके अंधभक्त मुंह मांगी रकम दे देंगे। जी सरकार। हरिओम, समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? हाँ, कुलकर्णी सरकार हर बात का ध्यान रखते हैं और उसके चेलों को रोकने का उपाय भी सोच रखा है मैंने। हरिओम, इसे मुझे दो। इस नक्शे को ले जाकर उस खंडर में फेंक दो ताकि जो भी उस स्थान पर जाए इसे देखे और देखकर इसे मेरी चुनौती समझे। मैं उस फकीर की मंशा को भी इसी तरह खंडित कर दूंगा। ये मेरी उस फकीर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। इतना सुंदर नक्शा था, किसने चुराया होगा साईं? रागिनी, नक्शा चुराने वाला राम जी की मर्जी तो नहीं बदल सकता ना। राम जी ने हम इंसानों की ही तरह इस मिट्टी की नियति भी लिख रखी है। किस मिट्टी पर हल चलेगा, कौन सी मिट्टी किसके नाम होगी, सब उनकी मर्जी पर निर्भर करता है और उनकी मर्जी को कोई नहीं टाल सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आ गया। क्या हुआ, आज बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज सम्मान समारोह में बहुत देर तक खड़े रहना पड़ा। आज पैर में हद से ज्यादा दर्द हो रहा है पुन्ना। कोई बात नहीं, आप अंदर चलकर आराम कीजिए, मैं मालिश कर देती हूँ। आइए। रुको, काका, क्या तुम इस घर की रीत को भूल गए हो? आज रहने दीजिए ना शारदात्या, इनके पाँव में बहुत दर्द है। अन्नपूर्णा, नियम हमारे सहूलियत के हिसाब से नहीं बदलते हैं। काका दिन भर बाहर रहता है, सारे लोगों के लिए काम करता है, न वक्त का ख्याल रखता है न जात धर्म। अलग जात धर्म के लोगों से मिलता है और तो और उन अंग्रेजों से भी मिलता है, तो घर में प्रवेश करने से पहले शुद्धिकरण करना तो बहुत जरूरी है।
बस आज का दिन आत्या, आज बहुत दर्द है इन्हें, रोज तो करते हैं ना शुद्धिकरण। नियम तो नियम है और मैं उनसे बंधी हूँ, और मेरा काका तुम्हारे जितना कमजोर नहीं है, थोड़ी देर और दर्द बर्दाश्त कर लेगा, और जितनी बहस तुमने की उतने वक्त में ये शुद्ध होकर अंदर भी आ गया होता। अब अंदर आ सकते हो। काका, मैं जानती हूँ तुम्हें ये नियम सख्त लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारे भलाई के लिए ही हैं। पूरे दुनिया की कामयाबी पाने में व्यस्त रहते हो तुम, तो तुम्हारा धर्म ना टूटे उसकी जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी होगी ना। चेहरे पर जो वेदना है वो थकान नहीं, कुछ और ही है। इनसे अकेले में पूछना होगा। नक्शा है जिसे कोई चुरा कर लेके गया था, न जाने उसने इस नक्शे को जलाकर यहाँ क्यों फेंक दिया। कितना सुंदर नक्शा था, अगर उसे पसंद नहीं आया तो जलाया क्यों, किसने किया होगा ये साई। बच्चों दुखी मत हो, जो भी होता है किसी कारण से होता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर खेल। साई, आप हमसे ये मत कहिएगा कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनकी तरह छोटे बच्चे नहीं है साईं, हमें इतनी तो समझ कि ये सब किसी उद्देश्य के तहत किया गया है। इस गांव में ऐसा एक ही शख्स है जो ये कर सकता है। सुधर्मा। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, मैंने सुना है आपको जमीन की आवश्यकता है। साईं, मेरे घर के पास एक मेरी जमीन है, खाली पड़ती पड़ी है। सोचा था कि परिवार बढ़ेगा तो वहां भी एक मकान बनाऊंगा। मेरे भगवान ने एक ही बेटा दिया है और अब वो भी बंबई जा रहे नौकरी करने। आप तो जानती हैं साईं, एक बार जो शहर चला गया लौट के गांव कहाँ आता है। इसलिए अब मुझे उस जमीन पे कुछ नहीं बनवाना है। हमारा वर्तमान घर मेरे और मेरी पत्नी के लिए पर्याप्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो मेरी जमीन स्वीकार कर लें। तुमने अच्छी तरह से सोच समझ तो लिया है ना सुधर्मा। हाँ तात्या, साईं के आशीर्वाद से हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। हमारी जमीन अगर साईं के कुछ काम आ सके तो हमारा सौभाग्य होगा। साईं, मेरी वो जमीन लेके हम पे कृपा कीजिए। मैं जानता हूं खेती वाली जमीन लेने से आपको इनकार है, परंतु हमारी वो जमीन खाली पड़ती पड़ी है साईं, बिना किसी उपयोग के। ठीक है साईं,
तो मैं कल ही जमीन के कागजात तैयार करवा लूंगा। आजकल बहुत देशद्रोही बढ़ रहे हैं। मुझे डर है कि शिरडी में भी कहीं कोई देशद्रोही घुस न जाए, इसलिए मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को शिरडी में बसने या भोले भाले गांव वालों को बहकाने का कोई अवसर न मिले। आपका ख्याल बहुत ही नेक है, किंतु ऐसा करने के लिए मुझे छोटी सी मदद चाहिए आपकी। जरूर मिलेगा, बताओ तुमको क्या चाहिए। सुधर्मा जी, लेन देन की बात तो कर लीजिए। मैं साईं से पैसे नहीं ले सकता। सुधर्मा, पैसे मैं नहीं, कोई और दे रहा है, जो पैसे देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। यह धन राम जी के इस कार्य में उस व्यक्ति का योगदान होगा। तुम उसे इस पुण्य कर्म से मना नहीं कर सकते। जैसा आप उचित समझे साईं, उन्हें जो भी उचित लगे वो मुझे दे दें, मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा। चलता हूं। लेकिन साईं, वो है कौन जो जमीन के लिए पैसे देंगे? जब काम राम जी का है तब योगदान देने वाला वो बंदा भी राम जी का ही होगा। नहीं, फिर वही सोच रहे हैं ना आप? क्या करूं अन्नपूर्णा, रह रहकर वो दिन याद आता है जब मेरा सफल और सुखी जीवन नरक बन गया था। लंदन रेलवे स्टेशन का वो दिन जब मैं ट्रेन से उतरते समय गिरा, तो उस समय वो चोट सिर्फ मेरे पैरों पर नहीं लगी बल्कि मेरा आत्मसम्मान, मेरे सपने सब चोटिल हो गए। जब से ना ये पैर ठीक हुआ है ना बाकी चीजें। किसी नए डॉक्टर को दिखाएं? इसे ठीक होना होता तो अब तक हो जाता। इस बीमारी के सामने ना जाने कितने डॉक्टर, कितने वैद्य हार मान चुके हैं। लंदन में भी तो इलाज करवाया था ना, कोई फायदा हुआ? ना तो ये चोट ठीक होती है ना ये दर्द जाता है। अन्नपूर्णा, अब मैं थक चुका हूं। हर बार एक नए डॉक्टर को मिलो, फिर एक उम्मीद जगाओ, फिर वहां कोई फायदा ना मिले तो फिर ये मायूसी हाथ लग जाती है। और जानती हो सबसे बड़ा दुख किस बात का है मुझे, कि आज तक कोई भी डॉक्टर या वैद्य मुझे ये नहीं बता पाया कि मेरे इस पैर में खराबी क्या है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। धनी, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो ये सजा मुझे मिली? पता है, लोग कहते हैं कि मेरे पास हर समस्या का समाधान है, हल है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक। मगर विडंबना देखो, मैं अपनी इस निजी समस्या का
कोई हल नहीं निकाल सकता। क्या फायदा है इस सफलता का? हाँ, क्या फायदा? मैं समझती हूँ आपकी पीड़ा, आपकी मनस्थिति। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भगवान के लिए आप कमजोर मत पड़िए, इस दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपका ये दर्द दिन भर तो आपको शारीरिक पीड़ा देकर सताता रहता है, और घर आने पर मानसिक रूप से। मैं तो कहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, आराम कीजिए। ये बताइए, आपको जो ये बॉम्बे परिषद का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला है, ये चुनाव आपके लिए जरूरी है? तुमने तो मेरे मन की बात कह दी अन्नपूर्णा। मैं भी इसी विषय के बारे में सोच रहा था। चुनाव के लिए जगह जगह जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और इतनी देर तक तो थाम उससे दर्द को छुपाते बनेगा, ना सहते। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी कमजोरी को देखें। अभी तक तो लोग मुझे मेरी उपलब्धियों के लिए जानते हैं, आधे लोगों को तो पता भी नहीं कि मैं लंगड़ाता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे मेरे शारीरिक दोष की वजह से मुझे पहचाने, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कल ही उन्हें ना कर दूंगा। तुम क्या चाहती हो? मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हमने तय तो कर लिया, पर क्या आप शारदा हत्या मानेंगी? आप तो जानते ही हैं, आपको लेकर वो कितनी महत्वाकांक्षी हैं। वो इस घर की बड़ी हैं, और इस घर के सारे फैसले उनकी मर्जी से ही होते हैं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। बड़ी जल्दी आ गए सुधर्मा, जमीन के कागजात बन दी गए? क्या बात है सुधर्मा, कोई अड़चन है? क्षमा कीजिए साईं, लेकिन मैं वो जमीन अब आपको नहीं दे पाऊंगा। कल तो तुमने खुद प्रस्ताव दिया था, और आज? देना तो मैं आज भी चाहता हूं, लेकिन लेकिन क्या? सुनो सुनो सुनो, सब लोग कान खोलकर सुन लो। अंग्रेजी सरकार का नया फरमान आया है। अंग्रेजी सरकार देशद्रोह को शिरडी में आकर बसने से रोकना चाहती है, इसीलिए शिरडी में जमीन खरीदी या विक्री करने से पहले शिरडी के मुखिया यानी हमारे कुलकर्णी सरकार, उनकी अनुमति लेना जरूरी है। जमीन बेचने वाले को ये बताना होगा कि जमीन कौन खरीदेगा, उसका भुगतान कौन करेगा, और जमीन का उपयोग किस लिए किया जाएगा। अगर इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो उसे देशद्रोही मानकर गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारी सर, अब देखता हूं फकीर, शिरडी में कौन देता है तुझे अपनी भूमि।
अभी अभी गांव में घोषणा हुई है साईं, शिरडी में रहकर मैं सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता, मुझे क्षमा कीजिए। पिताजी ने यह चाल साईं को तंग करने के लिए चली है और मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। रुको केशव। लेकिन साईं, ये राम जी का काम है और राम जी के काम से बाप बेटे में मतभेद हो ये मैं नहीं चाहता। लेकिन साईं, अगर यही स्थिति रही तो हमें जमीन मिलने से रही, और अगर कोई मेरे पिताजी के खिलाफ जाकर जमीन देने का साहस करेगा तो उस स्थिति में पिताजी उसके विरुद्ध कुछ न कुछ तोड़ जरूर निकालेंगे, इसलिए मुझे जाने दीजिए साईं। नहीं केशव, परिस्थिति चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, हमें संयम नहीं छोड़ना चाहिए और मेरे कारण किसी घर में क्लेश हो ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर हमें जमीन कैसे मिलेगी साईं? चिंता मत करो तात्या, अगर राम जी की मर्जी हुई तो कोई रास्ता निकल ही आएगा। अन्नपूर्णा, हमने जो सोने की नथ बनवाई थी वो कहाँ है? तिजोरी में है, अभी देती हूँ। हत्या, ये तैयारी किस लिए? कहीं जा रहे हो क्या आप? मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। बताया तो था प्रसाद के बेटे की शादी है ना, तो हम सब लोनावला जा रहे हैं। ये नथ शादी में देने के लिए ही तो बनवाई है। आत्या, आप अन्नपूर्णा और बच्चों के साथ चले जाए, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन छुट्टी लेकर घर पर आराम कर। तुम्हें कौन से पत्थर तोड़ने हैं वहां जाके? और देख, प्रसाद सिर्फ हमारा रिश्तेदार ही नहीं है, लोनावला का नगर अध्यक्ष भी है, उससे तुम सलाह भी ले सकते हो। आखिर तुम बॉम्बे परिषद के आगामी चुनाव के प्रत्याशी जो हो, अब प्रसाद के तजुर्बे का तुम्हें फायदा ही होगा। अथिया, मुझे इसी बारे में आपसे बात करनी है। बोलो। आत्या, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे पता है कि तुमने ये फैसला अपने दर्द और अपने लंगड़ेपन की वजह से ही लिया है। आत्या, ये लगातार बिना रुके काम कर रहे हैं जिससे इनके पैर का दर्द और बढ़ गया है। मुझे लगता है कि इन्हें कुछ दिनों के लिए आराम कर लेना चाहिए, बस कुछ दिनों के लिए, और कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताना चाहिए। तू तो चुप ही रह, तेरी अकल पे चला होता तो आज काका इतना नामचीन नहीं बन पाता। इतनी कम उम्र में इतना सब हासिल किया है काका ने, तो सिर्फ मेरी सलाह और मशवरे की वजह से। मैं हमेशा कहती हूं, जैसी संगति वैसी गति।
पाटिल जी, मैं अपनी जमीन देना तो चाहता हूँ, पर डर सरकार का है, वो मुझे देशद्रोही घोषित कर देंगे और मुझे जेल हो जाएगी। मेरे बच्चों का क्या होगा फिर? माफ करना, मैं विवश हूँ। क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे कुलकर्णी सरकार से बहुत डर लगता है। ना ही उनकी दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। बधाई हो सरकार, उस फकीर को कोई भी जमीन देने को तैयार नहीं है। सरकार। अरियो, उस फकीर को उसका स्थान दिखाने का समय आ गया है। काका, लोग तुम्हें जिम्मेदारियां देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि तुम उस शक्ति का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए करोगे। तुम्हें बस दृढ़ रहने और जिस राह पर चल रहे हो उस पर निरंतर चलते रहने की जरूरत है। तुम अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण रखो और मिलने वाले अवसरों को भुनाओ। ये कोई उम्र है हार मानने की, आराम करने की? ईश्वर ने तुम्हें अपनी वाणी से लोगों को समझाने की अद्भुत शक्ति दी है। अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करो, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करो। अपना और इस परिवार का सम्मान बढ़ाओ। तुम्हें ये चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम शादी ब्याह जैसे पारिवारिक समारोह से क्यों बचना चाहते हो। सिर्फ इसलिए ना कि लोग तुम्हें लगड़ाते हुए ना देख पाएं। अपने पैर के बारे में, अपने दर्द के बारे में भूल जाओ और सिर्फ चुनाव पर और प्रसाद से मिलने वाली सलाह पर ध्यान केंद्रित करना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। हम परसों लोनावला जाएंगे। कैसे समझाऊं आपको आत्या? बातें कहना सबके लिए आसान होता है, पर जिसमें बीतती है वही जानता है। रोज अपना दर्द छुपाकर जीते जीते मैं थक गया हूं। ये सब कब खत्म होगा? साईं, लगभग पूरे गांव में पूछ लिया हम लोगों ने। कुलकर्णी सरकार ने शिरडी वासियों को सरकारी कार्यवाही की ऐसी घुट्टी पिलाई है कि कोई अपनी जमीन देने को तैयार ही नहीं हो रहा।
लेकिन अब हमें जमीन कैसे मिलेगी? चिंताएं राम जी पर छोड़ देनी चाहिए। आए फकीर, बाहर आ। ये तो संता जी की आवाज है। ये सरकार, आज यहां कैसे आना हुआ? जब तू कानून के विरुद्ध काम करेगा तो गांव का मुखिया होने के नाते जांच तो करनी ही पड़ेगी ना। साई ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है सरकार, ये मैं तय करूंगा। सुना है कि शिरडी में तू भूमि ढूंढ रहा है, स्वयं को संत कहता है ना, तू कहता है कि संसारिक वस्तुओं से बंधनों से मुक्त है, फिर क्यों चाहिए भूमि तुझे? मुझे जमीन अपने लिए नहीं, राम जी के लिए चाहिए। राम जी का नाम लेके तू इन गांव वालों को मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। भला उस भगवान को एक टुकड़ा भूमि का क्यों चाहिए? ये दुनिया उसी ने बनाई है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो। उसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े की क्या आवश्यकता होगी? अगर होगी तो वो तुम सब लोगों को क्यों कहेगा कि उसके लिए तुम सब भूमि का एक टुकड़ा ढूंढ के लाओ? भगवान के खेल बड़े निराले हैं सरकार। अगर वो चाहते हैं कि मेरी और गांव वालों की सहायता से उनका काम हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। किंतु एक बात भूल रहा है तू फकीर, कानून तुम्हारी इच्छा और कल्पना के अनुसार काम नहीं करता। कानून नियमों से और विधि विधानों से चलता है, और इस गांव का नियम भी मैं हूं और कानून भी।
एक बात भूल रहा है तू फकीर, कानून तुम्हारी इच्छा और कल्पना के अनुसार काम नहीं करता। कानून नियमों से और विधि विधानों से चलता है, और इस गांव का नियम भी मैं हूं और कानून भी। यदि तुझे भूमि चाहिए तो तुझे अपनी योजना मुझे बतानी ही होगी। राम जी का काम है कुलकर्णी सरकार, कारण पता लगने का समय भी वही तय करेंगे। सुन रहे हो ना तुम सब, जिसके कहने पर तुम इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, वो फकीर तुम्हें इस योग्य भी नहीं समझता कि वो कारण तुम सब से साझा कर सके। आप चाहे कुछ भी कह ले सरकार, लेकिन आप हमारे साई के प्रति हमारे मन में करवाहट पैदा नहीं कर सकते हैं। मुझे ही नहीं, सभी साई भक्तों को मालूम है कि साई के मन में जो कुछ भी होगा वो हमेशा की तरह दूसरों की भलाई के लिए ही होगा। इतना विश्वास है इस फकीर पर तो बता, एक फकीर को भूमि की आवश्यकता क्या है? क्यों ये कारण नहीं बता रहा है? यदि वो कारण दूसरों के हित में है तो ये छुपा क्यों रहा है? है इसका उत्तर किसी के पास? को कारण नहीं बता रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, क्यों ये सारे इल्जाम सुन रहे हो? मिल गया मुझे मेरा उत्तर। मैं तुझे चुनौती देता हूं फकीर, अगर ले सकता है तो मेरे होते यहां की भूमि लेकर दिखा। तो अल्लाह और राम जी से ही मांगना भूमि, क्योंकि कोई भी शिरडीवासी तुम्हें भूमि नहीं दिला सकता, ये मेरा दावा है। हरिओम।
बेटी की सगाई की बहुत बहुत बधाई हो प्रसाद। शुक्रिया काका। काका यह है सीताकांत, मेरी पत्नी का भाई, और इनसे मिलो। ये है काका साहेब दीक्षित। नमस्ते काका साहेब। नमस्ते काका साहब, बैठिए बैठिए, मैं आ रहा हूं। अच्छा सुनो, काका साहेब प्रणाम। प्रणाम बीका जी, कैसे हो? तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कैसे चल रही है? लड़की की शादी ठीक से तो हो गई ना? आपकी दया से सब ठीक हो गया है। दीक्षित साहब ने मेरी बहुत मदद की थी, मेरे बेटे का विद्यालय में दाखिला कराने से लेकर मेरी बेटी की शादी कराने तक। ये तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने इसके बारे में किसी को बताने से मना किया मुझे। दीक्षित साहब नहीं चाहते थे कि उनकी की हुई मदद के बारे में लोग जाने। लेकिन मैं तो इन्हीं के एहसान तले दबा हूं। एहसान के साथ? अरे भाई, इंसानियत के नाते वो तो मेरा फर्ज था। नेकी कर दरिया में डाल, हमेशा यही सिखाया है मैंने काका को, और मुझे ये देखकर बेहद खुशी होती है कि वो मेरी बात मानकर इस रास्ते पर चल रहा है। राम जी भला करें। साई, हम अपने अपने बैलों को सजा के और उनकी आरती करके आ गए, बहुत मजा आया। साई, आप इस रस्सी का क्या कर रहे हैं? रागिनी, ये मलाई का कटोरा देख रही हो? इस रस्सी को मथनी में फंसाकर इस मलाई से मक्खन निकाला जाएगा। उस मक्खन को हम आज की पूजा में बैलों को नैवेद्य के रूप में अर्पित करते हैं। रुको प्रह्लाद, क्या हुआ, उदास क्यों हो तुम? साईं, आपने कहा था जो मुझे चाहिए वो मिलेगा, अब तो पूजा भी खत्म होने को आ गई है और मेरे सारे दोस्तों ने अपने अपने बैल सजा लिए और पूजा भी कर ली, क्या मुझे अपने दोस्तों के जैसे अपने बैल को सजाने का मौका मिलेगा? प्रह्लाद, अगर तुम अपने बैल को सजाना चाहते हो तो उसे मन से बुलाओ। लेकिन साईं, आजूबा को पता चल गया है कि मैं आपके कहने पे बैल सजाना चाहता हूँ, और ये जानकर वो बहुत गुस्सा हुए, इसलिए उन्होंने बैल को बांध दिया ताकि मैं सजा ना पाऊं। अब वो कैसे आएगा साईं? तुम एक बार अपने बैल का नाम लेकर पुकारो तो सही, बस इतना ध्यान रखना, सच्चे मन से और प्रेम से बुलाना। जानू कौन है तू,
राम है यार ही हीरा मेरा तो एक है तू एक भी अनेक भी तू एक भी तू अनेक भी तू मेरे साई 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 तू ही राम तू ही श्याम साई राम साई राम साई राम साई राम तू आगाज तू अंजाम साई राम साई राम साई राम साई राम तू ही हर दुआ का नाम साई राम साई राम साई राम साई मेरे 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 साई दीक्षित साहेब मेरे बेटे का अभी अभी नामकरण हुआ है मैं बहुत गरीब हूँ इसीलिए मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है मैंने आपके बारे में बहुत सुना है इसीलिए मैं चाहती हूँ कुछ और ना सही कम से कम इसे आपका आशीर्वाद तो दिलवा ही सकती हूँ जी क्या कर रही हैं आप बच्चे को नीचे मत रखिए उठाइए काका उसे उठाओ और आशीर्वाद दे दो आराम से आराम से ये क्या किया आपने इसके साथ मैं तो इसे आपका आशीर्वाद दिलाने लाई थी और आपने इसे कुचल दिया शुक्र है भगवान का कि आज मेरा बच्चा बच गया वरना जो अनर्थ होता
कुछ नहीं होता। काका का संतुलन खोने के बावजूद उसने ये सुनिश्चित किया कि तुम्हारे बेटे को किसी तरह की चोट ना पहुंचे। ये ले 10 रुपए। तूने कहा था ना इसे देने के लिए कुछ नहीं है, इससे कुछ ले लेना बच्चे के लिए। बैठे बैठे आराम आराम। हाँ अरे कुछ नहीं हुआ है, आप लोग आइए इधर आइए, इस तरफ आइए, आइए आइए, सब ठीक है, सब ठीक है, आइए आइए उधर। आज अनहोनी होते होते रह गई, लेकिन ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे ऐन मौके पर बच्चे के ऊपर गिरने से रोक लिया हो। बेचारे काका साहब, भगवान ने सब कुछ दिया, सब पैर छीन लिया और आज तो क्या तो हत्या होते होते बची। जरूर पहले कोई पाप किया होगा। किस काम की है दौलत, नाम शौहरत, जब तन मन में ही सुख ना हो, खुद भी सुख से ना रहे, दूसरों को भी दुख में रखे। इनसे तो भले हम हैं, रूखा सूखा खाते हैं तब भी अपनी हद में रहते हैं, इनकी तरह नहीं है कि जहां भी जाते हैं तमाशा बना देते हैं। काका कहाँ जा रहे हो? जो भी हुआ वो एक दुर्घटना थी, उस बात को दिल पे मत लगाओ। मुझे छोड़ो प्रसाद, सगे से हमारे पर ध्यान दो। बहुत बार आवाज दी लेकिन हीरा नहीं आया। प्रहलाद, श्रद्धा और सबूरी हो तो सब मुमकिन है। तो फिर हीरा अब तक क्यों नहीं आया? सींचे जो श्रद्धा के जल से भक्ति की ये बेल सुहाए, साई कहे जो राखे सबूरी, प्रभु कृपा का वो फल पाए। भवसागर की तर जाएगा धर विश्वास की डोर, भवसागर तू तर जाएगा धर विश्वास की डोर, आएगी हटेगा अंधियारा घन घोर, आएगी फिर वो। जैसे एक पक्षिणी कोई दूर गगन में उड़ती जाए, दृष्टि सदा अपने नन्हों पर हर क्षण रहती है वो लगाए, वैसे मेरे आएगी फिर वोर हटेगा। प्रेम एक नदी की तरह है, एक बांध बनाकर आप कुछ समय तक उसको बहने से रोक दे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। Thank you.
क्या हुआ? पहिया गड्ढे में फंस गया साहब, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं भी आता हूँ मदद के लिए, दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। जी भी नहीं हो रहा, बड़ी अजीब बात है। गड्ढा इतना गहरा भी नहीं है कि बैलों को खींचने में दिक्कत हो। एक बार और कोशिश करते हैं साहब जी, शायद निकल जाए। हाँ।